सो रेडी यस मैडम, रेडी। आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। लेकिन फिर भी हम तो कॉल सेंटर में अरे पता है ये ना वो ही रह गया। सबसे क्या? पहले तो अस्सलाम वालेकुम कर लो क्योंकि ब्लॉग की शुरुआत है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। अरे मतलब जो बहुत प्यार करते ना वो ये कह रहे हैं आप लोगों ने ये बात फिर हंसी मजाक में क्यों डाली, आप क्लियरली बताते तो अच्छा कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं है। तो वो यही कह रहे थे कि हम वेट करते रहे, उन्होंने पूरा ब्लॉग देखा, वीडियो देखा, और ये कह रहे मैंने आपसे बताया ही नहीं कि वो काम क्या करती है। उन्होंने डिस्कस नहीं किया नहीं, था। वो सिर्फ मजाक में ही छोड़ दिया था। अच्छा और फिर आपने अच्छा कहा था कि गैस करने दो ऐसे अच्छा करके। सो जो लोग गेस्ट कर पाए कॉल सेंटर वाला, बहुत बहुत क्यूट लगता है ये कमेंट में, तो बहुत क्यूट लगता है। सो एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम काम करते हैं, आई एम अ पार्ट ऑफ एलएनडी डिपार्टमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। उसके अंदर हमारा काम ट्रेनिंग का है। सो बाय द वे, आई मीन रोल जो है दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। सो आई एम एन असिस्टेंट मैनेजर तो समझ में ऑर्गेनाइजेशन आया में। मेनाज असिस्टेंट मैनेजर है कौन यस, सी कंपनी में, ये भी बताओ। आई एम नॉट गोना रिवील अच्छा, कंपनी, हम पता नहीं कहीं कहीं जाके टैग टू कर रहे हैं। सो इट्स बेटर क्यों नॉट टू बता नहीं रिवील, सकते? नॉट टू रिवील, बट इतना ही है अरे कि कोई तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा? चलो प्रीवियस बता देते हैं, अभी के लिए बता सकते हैं। अर्लियर पेटीएम के साथ हम एसोसिएटेड थे, अब अब चेंज हुआ बहुत है। बड़ी वो है कंपनी है बट वो यस, बताना नहीं चाह बहुत रही अपना। नोन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ है एज एन असिस्टेंट मैनेजर अंडर लर्निंग एंड डेवलपमेंट एलएनडी। ठीक है भाई, ठीक एंड बाय प्रोफेशन तो आपको पता ही है काम रोल क्या रहता है, ट्रेनिंग एंड ऑल। बस है। नहीं तो मैनाज और मतलब इजी शब्दों में बताऊं, जैसे मतलब मुझे समझ में आता है, जैसे मैनाज बोलती है वो तो थोड़ा सा वो होता है, आसान शब्दों में बताऊं ये है असिस्टेंट मैनेजर और ये ट्रेनिंग देती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, एज ए ट्रेनर जाती हैं, गेस्ट जाती हैं यस, गेस्ट और ट्रेनर। गेस्ट ट्रेनर एंड मतलब अपनी कंपनी की तरफ से, ऐसे नहीं है एम ही ठुल्ले ठुल्ले गेस्ट चले गए, अपनी इनकी कंपनी इनको बड़ी बड़ी कंपनियों में और भेजती है ट्रेनिंग देने के लिए और इवन इंस्टीट्यूट्स में। इंस्टीट्यूट लाइक अभी लास्ट जो आपने वीडियो बनाया था वो हाँ एनआईटी इंस्टीट्यूट का हाँ था। एनआईटी इंस्टीट्यूट में भी गई थी हाँ, तो ये। कैंपस, हाँ डीएवी वही। स्कूल, डीपीए स्कूल्स, हाँ, टीचर्स के, मतलब स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जब स्कूल्स वगैरह में होता है तो तो टीचर्स स्पेशली के लिए, टीचर्स के लिए होता टीचर्स है। का स्टाफ होता है उनके। जैसे अभी समर वेकेशन है तो अभी स्कूल्स में चल रहा है, एंड देन कैंपस ये कैंपस हो गया, एनआईटी हो वगैरह गया। हो गए आपके, प्लस और ये जितने भी बैंक्स हैं ना आपके, हाँ एक्सिस, डॉयचे बैंक, एचडीएफसी, फिनकेयर, फेडरल, बहुत सारे हाँ जो बैंक्स बड़े हैं, बड़े बैंक्स हैं जितने उनमें भी भी। बड़े हाँ प्राइवेट बैंक्स हैं उनके अंदर ट्रेनिंग होती है, प्लस और भी कुछ। और भी बहुत कुछ, अब बहुत यस सारी चीज़ें रिवील भी तो नहीं कर सकते ना करेक्ट करेक्ट। क्योंकि, और आपका ड्रेस बहुत ही क्यों, खूबसूरत लग रहा इसके है। साथ हम अपना ब्लेजर लेने वाले हैं, एंड देन वही अपना हिजाब। लास्ट पॉइंट, वही बस वही सब। पता है मेरे सब्सक्राइबर्स को यकीन नहीं होता कभी हमारा फिगर भी ऐसा हुआ करता अरे वो तो था। पुराने पिक्चर से दिखाया आपने कभी? एक आध दिखाए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाए, प्रॉपर अच्छा, मैंने एक कॉलेज नहीं दिखाया टाइम का। अभी। हाँ वो सब अभी नहीं देखा है तो सब्सक्राइबर तो चलो दूर की बात है, हाँ मेरी खुद की सासू माम को लगता है कि मैं शुरू से पैदाइश ही मोटी हूँ। वो कहती नहीं तो कभी पतली नहीं थी, तो मम्मा अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ऐसा पतली नहीं थी जब मैं है। स्कूल तो कॉलेज वगैरह करती थी ना, मैं बहुत पतली थी। उनको आपने फोटोज दिखाओ ना पुराने वाले, मेरे अब मैं सोचती हूँ कि क्या किसी को वो करो, ठीक है जो जैसा सोचता है, जैसा किसी के सोचता सोचने है से कुछ भी नहीं होता। करेक्ट, और फिर क्या कहते हैं अपना वो देते रहो, यू नो। डिस्क्रिमिनेशन बात बात पे, जिसे मानना है हाँ, वो जिसको माने, मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना इसके वो साथ नहीं की माने। बेल्ट कहाँ है? अब मैंने तो लगाई नहीं भैया, तुम्हारी बेल्ट मेरे तो आएगी नहीं, पहले तो लगाई थी। हमारी तो आने से नहीं। अच्छा और पता है एक और कमेंट आया था कि मेरा आज जैसी बेटी आपने इतनी स्मार्टली हम लोगों को घुमाने ले गई और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने सब बताया, सारा मैनेजमेंट आपका था, उस दिन बात भी कर रहे थे। ओ ड्राइवर का कॉल आ गया। अच्छा, आपके ड्राइवर का कॉल हो गया। सो ठीक एक है सेकेंड दे रहे हैं आप ना ठीक थोड़ा। है ठीक है, आप अपने ड्राइवर से बात करें। हेलो, हाँ भैया, आप कहाँ से कॉल कर, लोकेशन पे बस में नहीं चाहिए, एक मिनट पर। मैं आपको एक फ़ोटो खींचूंगी, आपकी कैब आ गई, मैं आपका एक फ़ोटो खींचूँ, हाँ ठीक है? खींच लेना। हाँ तो बस मैं जल्दी से कमेंट बता देती हूँ, उन्होंने यही बोला था मैंने आज जैसी बेटी अगर हर घर में हो ना तो हर घर के बारे न्यारे हो जाएं। और ये बात बिल्कुल एंड यू मेड माय सही डे, है। चलो थैंक यू। मैं आपको एक फ़ोटो खींचूँ। बच्चे तो वैसे भी तुम्हें, बच्चों के लिए तो हाँ तुम रोल मॉडल हो, हाँ उन्हें सीरियसली, लगता है अगर कि देखो आज अब मैं भी वो पहनूंगी चप्पल। स्लीपर्स, हाँ पैरों को ये मैं भी ढकूंगी, दिखाती हूँ अभी काम लेके बस। गई है अच्छा अभी। अभी अभी हाँ बाजी के यहाँ गई है। उसके बाद भी ना जैसे पहन ली तो अब स्लीपर वहां रखी थी, पैरों पर मेरे बैठी थी,
तो पैर ना ऐसे ऐसे करके टेढ़ा करके लेके गई है, सीधा स्लीपर्स में रखा है, में रखा है। ऐसे पैर रखने से ना तो सही रहेगा, पता नहीं उनको क्या लॉजिक दिखता है। अच्छा, हाँ मैं बनाती रहूँ, आप लगाओ। ये मेनाज घर में भी स्लीपर पहनती है ना, जैसे घर की अलग है, बच्चे बस देखते हैं मेनाज की ये क्या क्या करती है। घर की तो, भी रूम की। हाँ रूम की है, यस यस। हाँ टॉयलेट वगैरह तो नहीं जाती है इससे, ये रूम की है। चलो आप लगा लो, आप थोड़ा सा अनईजी फील कर रही हैं। लग गई, लोग ही खुश हुआ होते हैं। आप अपनी ड्रेस किसी दिन मुझे भी पहनने के लिए दें तो मैं तो आपसे भी ज्यादा अच्छी लगूंगा। और आ भी तो जाएगा यूं ही, बिल्कुल लूज रहे तब जाएगा। सिर वाला ठीक है, आप पूरा लें, पूरा लें, वो भी जरूरी है ना। और कोई कह सकता है ये बच्चा ना ये इतना माशाल्लाह, ये नहीं कि ये दुनिया में, ये दीन में भी है ये, पता है जितनी अगर इसे बाहर नमाज मिल जाए तो ठीक है, और नहीं ये रात को आके ना पूरे दिन की नमाज पढ़ती है, 50-50 रकाते ये नमाजें पढ़ती है रात को। ये पता है जहाँ जब फर्स्ट टाइम हम गए थे और जो जोनल है तो उनके साथ हमारा मीट, तो उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई, तो उन्होंने हमसे जब पूछा आप ही गए, नमाज की जगह चाहिए, एंड वो भी मुस्लिम है, वो इतना खुश हुआ है। उन्होंने लाइक होता है कि एज डिफरेंस है बहुत बड़े हैं हमसे उम्र में, तो सबका तो ऑब्वियसली एक डेजिग्नेशन होती है तो सबका नाम, बट हमें वो मेनाज जी बोलते हैं, हमको ये मेनाज जी की नमाज का टाइम हो गया, जगह खाली कर दो, तो हर जगह पे एक मेनाज जी की नमाज का टाइम होगा। हर जगह पे हमने एक जान नमाज रखी हुई है, प्लस हम एक वो जो पाउच वाली जान नमाज होती है वो हमेशा रखते हैं। और फिर भी कोई मतलब अगर हो जाए, जैसे ट्रेनिंग होती है मिलेगी तब नहीं हो पाता, तो फिर वो रात को आके पूरी नमाजें पढ़ती है भाई साहब। हम जब अपने और इसकी नमाजें भी ऐसी चलती फिरती नहीं कि बहुत से लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, दो दो घंटे लग जाते हैं इसे नमाज पढ़ने में, तो बहुत अच्छे से करते हैं। ब्रेक देते हैं ना जब ट्रेनिंग से पीछे, तो हम जोर के वक्त देते हैं, तो सबको लगता है मैम अभी लंच टाइम नहीं हुआ, हम कहते हैं यही है लंच टाइम, क्योंकि भाई जब अपने हाथ में ब्रेक देना तो यही लंच टाइम है नमाज के लिए। ठीक है चलो, माशाल्लाह से बाय। आपका ड्राइवर आपका वेट कर रहा होगा। ओके अल्लाह हाफिज। नहीं मैं तो बाहर बैठू, हाँ मैं तो मम्मा के पास बैठूंगी बाहर। तो बस आज बच्चों की फरमाइश पे मैगी बनाई है, आयरा का मन कर रहा था तो मैंने कर लो भैया। हाँ आपको ज़्यादा पसंद है ना, आयरा तो नहा ली है। अस्सलाम वालेकुम कर लो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब पूछो आप भी मैगी खा लो, आप भी मैगी खा लो, हम ऐसे खाते हैं, ऐसे तो खाते हैं ब्रेकफास्ट में, ऐसे खाते हैं। आ रहा ना देख देख के हो गई है। और इन्हें देखिए, इनके नज़ारे देखिए, ये नहाई नहीं है। चनू इधर देखो, चनू चनू पहले इधर देखो, लिबा हाय गाइस को अस्सलाम वालेकुम कर लो। हैं ये गंदी लड़की है। हाय गाइज, ये लिबा ना बहुत गंदी लड़की है, जैसे किसी ना किसी चीज़ की बहस रहती है। ठीक है चलो, तो बच्चों को नाश्ता करने देते, फिर हम खुद भी करेंगे। ओहो अबू आई हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए अबू, अबू रानी तो बहुत ही कमाल की और बहुत ही धमाल की लग रही हैं। जाओ नन्ना के पास जाओ। आज हम बहुत सिंपल नाश्ता कर रहे हैं, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, तो जस्ट टी और ये देसी घी है, अल्लाह ब्रेड मुझे दो। आंटी भी खा रही हैं हमारे साथ और हम भी खा रहे हैं, आपको नहीं दिखा रही। तो बस ये लाइट खाने का मन था तो लाइट खा। ठीक है आज अप्पू का बर्थडे है तो हम लोगों की आज पार्टी भी होगी, शाम की होगी वो तो। यहाँ पर अप्पू और नन्ना की बातचीत, अप्पू नन्ना को टॉफ़ी दे रही हैं, अप्पू नन्ना को नहीं नन्ना अप्पू को टॉफ़ी दे रही है। डॉल हाउस, हाँ देखेंगे अप्पू का डॉल हाउस। हम तो पर्स में क्या है दिखाओ भैया, दिखाओ अप्पू के पर्स में तो टॉफियाँ भरी पड़ी हैं। ओह चॉकलेट भी है भैया, अप्पू तो बांटने निकली है। चलो इन दोनों को दे दो, मैं नहीं खा रही, बच्चों को ही दे दो। चले जाओ आप, जाओ जाओ।
हैप्पी बर्थडे बोलो लिबा, लिबा हैप्पी बर्थडे बोलो। हाँ हाँ हाँ, ओहो ये भी मिलेंगी, नहाए धोई तो है नहीं लेकिन अब उसे गले मिलेंगी। अब जाओ नन्ना पैसे देंगे, जाओ भैया नन्ना से पैसे ले लो। घर में ये हमारे कीड़ा क्या आ गया, ओह रुको रुको मैं मारूंगी, पता नहीं कौन सा कीड़ा आ गया मेरे दुपट्टे के ऊपर। अरे मेरे दुपट्टे पे मत मारो भाई, इन सबको दिखाओ ना, इन सबको दिखाओ, पीछे आ रहा मेरे दुपट्टे पे मत मारो। आपको पता है मैंने अच्छे से एक दिन बोला था कि जो ये जहाँ और ये आपको मकड़ियाँ दिख रही है ना, आज हमारे साथ पे आप बोल रहे हैं। क्या करने जा रही है लिबा, मारने जा रही है? बट्टा रुक जाओ मैं मारूंगी। अरे मुझे तो दो, तब आ गए ना कीड़े। अरे चप्पल तो दे दो यार भाई साहब। कचुम्बड़, कचुम्बड़ बन गया तो आया कहाँ से, ये आया कहाँ से होगा अफू, पता नहीं। उफल्ला कितना खतरनाक, चप्पल रख दो, कितना खतरनाक कीड़ा था मम्मी। तो मैंने आपको बताया, हम तो पता है अभी रील्स बना रहे थे और तभी मैंने देखा है ना, और हाँ। सोचो मेरे कान में घुस जाता हाँ। तो क्या हाल होता। हाँ फिर कान ना पता, मैंने एक भूत वाले मुंह में देखा कि हाँ। कान ना पता हाँ। वो ना एक मशीन लेता कान में डाल देता है। अच्छा कान से बहुत खून निकलता है, आज अफू का बर्थडे है ना, हमने सुबह ही बता दिया आज अफू का बर्थडे, और अफू पार्टी दे रही हो बर्थडे की, कब है? अच्छा इतना सोच क्यों रही है अफू रानी है, अफू का मन नहीं कर रहा मुझे लग रहा पार्टी देने का, मन कर रहा है। चलो तो आज शाम को जाएंगे, हाँ अलीबा को दिखाते हैं, आज शाम को जाएंगे अफू की बर्थडे पार्टी में, अलीबा जाएगी। हाँ परेशान कर रही हो, क्यों मुझे परेशान कर रखा है, हैं? बोलते बोलते रह गए। तो अभी हो गया शाम का टाइम, टाइम दिखेगा आप लोगों को, दिख ही जाएगा। तो शाम का टाइम हो गया है और मैं और लिबा इंतज़ार कर रहे थे मिनास का, है ना लिबा को देखो। अभी अपू की बर्थडे पार्टी भी है तो उसके लिए भी अभी तैयार होना है, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम था, वैसे तो कोई काम होता नहीं है पूरा दिन। तो बस मैं वो मेनाज आने वाली है तो उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, उसे मेरे हाथ की पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। और आज आपको रेसिपी भी दे देती हूँ कोल्ड कॉफ़ी की, बहुत इजी और बहुत ही ज़्यादा यमी, मतलब आप लोगों ने जो बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में आप पीते हो ना, आगे मैंने सो लॉन्ग उमर। वालेकुम अस्सलाम, आज तो मैंने उसका जाने का और आने का दोनों ब्लॉग में। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तो मैं आपको आज रेसिपी भी देने की कोशिश करती हूँ, फटाफट से बना लेते हैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी, है ना, फिर करूँगी बच्चों को तैयार और फिर जाएंगे हम बर्थडे पार्टी में। मैं नहीं तैयार होंगी, मैंने तो पहन लिया भैया जो मुझे पहनना था। अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे, हाँ 7 बजे की है, ठीक है आप ना करें चेंज। तो बस फिर अब हम कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं ना लिबू, आप क्या बातें करती रहती हो इशारों में, चलो फिर चलते हैं। चलो सब चलो, कहाँ जा रही हो, बन गया खाना पीना, बन गया खाना खाता है सबके दादे को, अच्छा अच्छा। अरे रोटी बनाई, रोटी नहीं ना पालो की दाल, अरे दाल रोटी की, रोटी बना दो आके, हाँ बना लेना, हाँ रोटी तो बनेगी ना दाल के साथ, हाँ हाँ पहले नहीं दावत तो सही है।
अब ठंडे आए भटूरे इसलिए कह रहे हैं वैसे तो हाँ मतलब आएंगे तो गर्म लेकिन पापा जब तक आएंगे तो ठंडे हो जाएंगे। हाँ जो अब हम जा रहे हैं पार्टी में, पार्टी हैज बिगन, मतलब बिगन नहीं है जब हम जाएंगे तभी बिगन हो। चलो आप तो फुलता रहो चल के आप चल के ऊपर अभी आ रही बाज आ रही हफी आ रही वी आई पी गेस्ट आए हैं। चलो हाँ जी लीबू चलो तो। अरे भाई लीबू तुम रास्ता रोक के क्यों खड़ी होती हो, चलो चलो। ये देखिए एक और ब्लॉगर खड़ी हैं, चलिए 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 हाय। अरे भाई सीधा बर्थडे में जाएं, सीधा बर्थडे में आई हैं। वाह भाजी ये तो बहुत ब्यूटीफुली तुमने सजाया और तो बहुत अच्छा और इतने कम टाइम में, वेरी नाइस भाई वेरी नाइस। क्योंकि सारे घर से तो बैठे थे ना, हाँ हाँ यही चल गया सब जगह लगाने लगे पीले रंग लीबू तो एक्साइटेड है बहुत ज्यादा। लीबू की ड्रेस तो सबसे ऑसम, लीबू की लिपस्टिक, लीबू जलाओ जला इधर आओ आप तो फोटो खींच लिया। उसको लग रहा है अच्छा अच्छा लग रहा है। मुंह बंद करो के मुंह तो खुला रहता है। फोटो खींचो इधर देखो नहीं क्या अच्छा अच्छा मुंह बंद रहेगा अच्छा ठीक है अच्छा खींचो। आंटी के साथ वीडियो बनवा लो इधर इधर देखो ना बिल्कुल ही कैमरा कॉन्शियस हो गई है। हाँ जी अपनी मर्जी की कुछ करते करते टोक दो ना। हाँ हाँ तो गाइस हमारे गेस्ट आ चुके हैं या ये जिसके सुबह से हल्ले चल रहे हैं अच्छा इसको खोल के देखना नहीं अभी नहीं सब ढूंढेर पड़ जाएगी लुटेर पड़ जाएगी फिर। मैं ये गिफ्ट आया मुसरत जी ने जो भेजा है मैंने सुना है इसमें टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ है। आज बेचने के लिए नहीं ये नहीं टॉय जोन से खरीदा हुआ है नहीं होगा लेकिन ये गली में डॉल हाउस है। देखो बाहर इसमें लिखा हुआ भी है आप तो अंदर ही है तो टॉय जोन टॉय जोन टॉय हाउस देखिए आप। तहजीब का क्या है फिर वो तहजीब का क्या है मतलब टेंट हाउस हाँ वो टेंट हाउस है इसमें डेकोरेशन करनी है ये हाउस है और काफी सारी चीजें दे रखी हैं जिसमें आप भी बैठ जाओ बैठ जाओ बाद में लेना बाद में। अच्छा इसके अंदर पूरा हाउस बनाएंगे और इसको सब कुछ ये सारी डेकोरेशन का सामान है इसके अंदर लोग भी आएंगे मना लोग भी वो ऊपर में लोग रखे हमने लोग अलग रखे लोग ऊपर ये डेकोरेशन फर्नीचर अलग है फर्नीचर अलग दे रखे हैं लोग अलग दे रखे हैं देना जरा अभी सब हो रहा बिना खोले ही देख लो कितनी वो हो रही है खोल लो मत इसे नहीं नहीं खोल लेंगे हम इसे खेल लेंगे। हां हां बिल्कुल मम्मा को तो वीडियो बनाने दो बाजी तुम वहीं जाके खड़े हो ना तो अच्छा भाई अभी आ रहा है हटना आ रहे हो हटना चलो आ रहे हो आप इधर आ जाओ आप इधर आओ आओ फिर मैं बुला लूंगी आपको है ना भाई ये क्या ये बच्चों के नीचे हां अभी तो यही जैसा लग रहा है ला 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 कैसे चाक रहे सबको मिलेगा सबको मिलेगा पिलो पिलो बताओ अच्छा अच्छा लिबू अच्छा गंदू लिबू है मेरा गंदू लिबू है कितना सुंदर सज जाता है ना ये हल्दी का पीला आ रहा है आजकल हाँ हाँ गोल्डन कलर अच्छा जी चलिए भाई आप लोग अपना अपना ले लीजिए हम सीधा कोल्ड ड्रिंक ये नहीं लोगे पेज में जाइए ना और
अरे तो प्लेट तो ले लो अपनी, उसमें क्या बात है, खाना मत खाना, खाना मत खाना, प्लेट तो लो, लो लो यार क्या लो भैया, जो अच्छा लगे लो। अच्छा आप बड़ी हो, मुझे नहीं पता था आप बड़ी हो, मुझे नहीं पता था। हाँ आप हटाओ ना, ना कि जब से डॉल के पीछे पड़ी हुई थी, डॉल दे दो, डॉल दे दो, अब डॉल आई तो कह रही डॉल आप खाओ, हशर किया इस डॉल, कह रही डॉल आप खाओ। नहीं वो कोई खाने की चीज़ नहीं, आप लोग अपनी प्लेट्स का इनायत को, इनायत को, मम्मा आपको मिली फ्रूटी? नहीं मम्मी को भी नहीं मिली, इनायत को भी नहीं मिली। ठीक है आंटी, आपको मिली फ्रूटी? आंटी को भी नहीं मिली। लो आयरा खिलाओ आप। अरे सुंदर लग रहा है, अरे तो बड़ी सुंदर लग रही है। तो बस जी दावत का खाना आ चुका है, एक्चुअली हम आ गए थे, हमने कहा हम घर पे जाके रिलैक्स होके खाएंगे, तो अपने कहा ठीक है जैसे तुम लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो बस अब मैं सबके लिए सर्व करके दे रही हूँ। तो खाने में थे आप का नहीं है, बस खाने के ले रहे हैं खाने में, ये छोले और भटूरे, ये हूँ मैं, और ये है बुलु के, जो यहाँ हमारी पार्टी हो रही है, यहाँ नन्ना जी का खाना आ चुका है। कितने हैं ये? दो। अब हम वापिस से मुड़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। मुझे लग रहा है खा लोगे, खा लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है खा लेंगे, ऐसा लगता है। तो लगने में कोई तुम लोग भी नहीं खाओगे? हाँ मम्मा ने बोला है, और शायद से मम्मी भी आ जाए, बता तो नहीं। तुम घर पे खाओगे? नहीं घर पे कोई नहीं खा रहा है वाला, तो पूरी मर्ची हो रही है ना, तो मम्मी भी लगता है खाना बना के यहीं आ जाए। ये अभी हम इसलिए खा रहे क्योंकि भटूरे गरम गरम है ना, तो ये खींचेंगे भी नहीं, ठीक है। हाँ आप अभी भटूरे मत निकालो, अभी हम थोड़ी देर से खाएंगे, हमारे ना अब खाओ, कोई देर से नहीं हो रहा, आपको भी दो। लिबा ने अपना पूरा बॉडी मेकअप कर लिया, बॉडी मेकअप गर्मी लग रही, अरे यहाँ का बच्चा ना अंदर जाके खा लो, रख रख के, क्योंकि यहाँ का चलाओगे तो सब ठंडा हो जाएगा। अच्छा बस रेडी हो, चलो चला लो फिर, चला आज गर्मी है क्या, मुझे लग रही है, पंखा चला लो, है बहुत है, है ना, चार पांच दिनों से बहुत हो रही है। इनायत आप खा लो, खा लो, रुक जाओ मुझे।